कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए, आज हम लोग छत पे हैं। एक्चुअली लंच बनाकर मुझे थोड़ा सा ठंड लग रही थी तो मैं छत पे आ गई धूप सेकने। और ये देखिए अनन्या को क्या कर रही है, टैडी को धोई नहीं है, टैडी को सुखा रही है। धोया हुआ नहीं है, सुखा हुआ है। उसे भी धूप दिखा रही है कि खांसी ना हो। तो अभी लंच नहीं हुआ है, तन्मय स्कूल से आ चुका है तो अब मैं जा रही हूँ लंच करने और उन लोग को भी देने। तो ये मैडम भी नहीं करती हैं, स्कूल से आती है तो मेरे साथ ही रोटी पराठा वगैरह खा लेती है। तो बस भैया के साथ और पापा के साथ ही खाना है। तो चलिए अब चलती हूँ नीचे लंच देने बच्चों को। और अच्छा लग रहा है, हल्का हल्का धूप, हल्का छांव, मतलब आधे चटाई हमने बिछाया है, आधा धूप आधा छांव में। तो मैं थोड़ा सा अनन्या ने बिछाया है तो मैं थोड़ा लेटी थी यहीं, अच्छा नींद आ रहा था। फिर याद आया कि नहीं, लंच बच्चों को खाना देना है, तो चलते हैं नीचे। तो चलिए आप लोग भी, और क्या हो रहा है आप लोग का जरूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं नीचे और बच्चों को लंच देते हैं। और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, देखिए बेल का पेड़ है चारों तरफ, बहुत सारे पेड़ हैं, हरियाली है, हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है, तो इसलिए हल्की ठंड हल्की गर्मी लग रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी तरह बने रहिए मैं इस ब्लॉग में। और चलिए नीचे चलते हम लोग। देखिए मैं छत पे आई हूँ फिर। लंच हो गया है और थोड़ी सी शाम भी हो गई है। लंच हो गया तो फिर खाना खाकर थोड़ा देर नीचे चली गई, भाभी लोग सब थे तो उन्हीं लोग से बातें करने। तो बात करते हुए आकर फिर घर के सारे काम करना, बर्तन झाड़ू सब तो करके अब कपड़े लेने आई हूँ। तो ब्लॉग की शुरुआत भी छत से ही हुई और अभी भी छत ही पे हूँ। तो आप लोगों का कैसा हुआ लंच, मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों ने क्या बनाया, क्या खाया इस तरह से। तो अब हम लोग रेडी होकर थोड़ा सा निकलेंगे बाहर, रोज़ बाहर जाते हैं लेडीज लोग सब, बच्चे सब निकलते हैं खेलते हैं इस तरह से। तो अभी मैं भी जाऊंगी, कपड़े रख लूँ सब उसके बाद। तो चलिए पहले कपड़े उतार लूँ मैं, उसके बाद फिर मिलती हूँ। तो चलिए मैं आ गई हूँ नीचे और दूसरे रूम में, जो हमारे घर के सामने वाला जो रूम है, जो मैंने बोला था फ्लैट हमारा ही हो गया, तो उसमें आती हूँ। उसमें रस्सी लगाया है, इसमें कोई रहता नहीं है तो रस्सी लगाया है। और जो भी भीगे हुए कपड़े होते हैं सब यहीं डाल देती हूँ आराम से, बारिश के दिनों के लिए और आराम है। तो दो फ्लैट है तो एक में हम लोग ये कपड़े डालते हैं और कुछ एक्स्ट्रा सामान हो गया तो रख देते हैं। ये देखिए अनन्या को, इसका ड्रेस, इसका स्वेटर, स्वेटर दिखाओ, वाह उल्टा पहनी। हाँ तो देखिए मैं नीचे आ चुकी हूँ, अब जा रहे हैं हम लोग घूमने ऐसे ही। तो हमारा कॉलोनी, मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो देखिए शाम हो गई है और मैंने दिया बाती भी कर लिया है। दिया बाती भी हो गया है और
तन्मय के सर भी आ गए हैं, तन्मय को पढ़ाने वो पढ़ने गया है, और इधर मैडम जी फिर उसी काम में लगी हुई हैं, शाम के कपड़े छत्ते से लाकर वैसे ही पड़े हुए हैं और मैडम उसी काम में लगी हुई हैं बस कार्टून। तो चलिए बच्चों की फरमाइश थी इडली बनाना, तो चलिए मैं जा रही हूँ इडली बनाने और फिर उसके बाद फिर देखती हूँ डिनर होता है क्या होता है, पहले इडली बना लूँ, अगर उन लोग का मन भर गया तो डिनर भी बनाऊँगी। तो चलिए मैं इडली बना लूँ और शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि कैसा लगा, और प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से वॉच कीजिए, व्यू बहुत कम आ रहे हैं, तो प्लीज़ नए यूट्यूबर हैं लोगों भी सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग भी कुछ कर सके, आगे बढ़ सके। तो चलिए फ्रेंड्स फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे फिर नए ब्लॉग में, नई एनर्जी नए जोश के साथ, तो तब तक लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय।